अस्सलाम वालेकुम, उर्दू ऑटोमेटिक में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि हम मोटरसाइकिल पुरानी जब ख़रीदने जाएं तो कौन कौन सी चीज़ों को देखें और कैसे परचेज करें हम पुरानी मोटरसाइकिल को। इसमें पहले सबसे चीज़ आती है फ्रेम, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का फ्रेम। फ्रेम जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मोटरसाइकिल का, क्योंकि इसके ऊपर ही सारी चीज़ें लगाई गई हैं, इसके ऊपर ही टैंकी टापे लगे हुए हैं, इसके ऊपर ही शॉक अब्जॉर्बर लगाया गया है, सीट लगी हुई है, इंजन लगाया गया है, व्हील्स लगे हुए हैं, ए टू जेड चीज़ें इसके ऊपर लगाई जाती हैं। अगर ये कहीं से कट एंड वेल्ड है, काट के वेल्ड किया गया हुआ है, या खुदा न खास एक्सीडेंटल है, टेढ़ी है, तो वो मोटरसाइकिल कभी सीधी नहीं चल सकती, ठीक है, वो आपको थकाएगी चलाते हुए, बड़ा मसला करेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं गाड़ी का, मोटरसाइकिल का फ्रेम, कि फ्रेम कैसा है। फ्रेम कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गल चुका है, जंग लग चुका है, तो आप ओवरली मोटरसाइकिल कभी परचेज ना करें। और अगर आप देखते हैं कि कहीं से वेल्डिंग वगैरह हुई है, तो वो वाली मोटरसाइकिल आप कहीं पर कभी परचेज ना करें, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी प्राइस में आपको मिल रही हो, आपके दिल को लग रही है, लेकिन अगर उसका फ्रेम नहीं सही तो आप उसको ना खरीदें, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है मोटरसाइकिल का। जब हमने फ्रेम को चेक कर लिया कि फ्रेम ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है बॉडी पार्ट्स और टैंकी टापे। हम मोटरसाइकिल में पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम चीज़ चेक करते हैं उसके टैंकी टापे कैसे हैं, टैंकी टापे उसके ओरिजिनल हैं या नहीं, हम पूछते हैं जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। जेन्युइन टैंकी टापे हों और उसके ऊपर मतलब कोई जंग वगैरह ना लगा हुआ हो, टूटे हुए ना हो, या उसके ऊपर कोई खराशें वगैरह ना पड़ी हुई हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स हम अपनी मर्जी के जितने हम पैसे पे कर रहे होते हैं उस लिहाज से उतनी उस जैसी चीज़ मिलती है। तो टैंकी टापे जो होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा ही राइज है कि टैंकी टापों को सबसे पहले चेक किया जाता है। तो टैंकी टापे आप देख लें कि इसके ऊपर खराशें वगैरह ना पड़ी हुई हों, कहीं से टूटे हुए ना हो, या कहीं पर कट ना लगे हुए हों, इस तरह की चीज़ें ना हो। दूसरी चीज़ आती है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में क्या आता है, बॉडी पार्ट्स में इसके रिम वगैरह आ जाते हैं, इसका रिम, इसका हैंडल वगैरह, और जो माडी गार्ड वगैरह हैं, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि ये चीज़ें जंग वगैरह बहुत ज़्यादा ना लगा हुआ हो, क्योंकि चीज़ पुरानी परचेज करने में थोड़ा बहुत तो जंग लगा हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जंग वगैरह ना लगा हुआ, गले हुए ना हुए हो, ठीक है, देखने में अच्छी हालत के मौजूद होने चाहिए, और आपके जो माडी गार्ड वगैरह हैं ये भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, जंग वगैरह ना लगा हुआ होना चाहिए जब आप परचेज कर रहे हैं। अगर आपको प्राइस अच्छी मिल रही है तो फिर आप थोड़ा बहुत जंग अगर लगा भी हुआ है तो परचेज कर लें, अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत पेश आती है तो आप उसमें एडजस्टमेंट करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिम की बात करें तो अच्छे वाला रिम जो होता है मोटरसाइकिल का, तकरीबन CD70 का या 125 का अगर बात कर लें तो CD70 का 1000 रुपये के राउंड अबाउट तकरीबन बन जाता है, और जो अच्छे वाला है ये 1500 तक चला जाता है, उसी तरह 125 का भी 1200-1800 के राउंड अबाउट चला जाता है। तो माडी गार्ड जो होते हैं ये 600-700-500 से शुरू हो जाते हैं, 800-900 तक जाते हैं, तो अच्छे वाला 800-900 रुपये का। तो आप प्राइस के एडजस्टमेंट देख लें कि उस प्राइस के अंदर आते हैं या आपको मिलते हैं या नहीं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आता है इंजन, कि इंजन कैसा है। अमूमन क्या होता है कि हम मैकेनिक वगैरह लेके जाते हैं, मैकेनिक अगर तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वाकिफ है, तो वो तो आपको चीज़ अच्छी लेकर देगा, लेकिन अगर आपका दोस्त है नहीं है, वाकिफ नहीं है, कोई वैसे आप वो लेके गए हैं साथ, तो वो क्या करेगा, वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं आपको परचेज करके देगा। वो इस वजह से ही नहीं करके देगा कि अगर आप उससे परचेज करवाते हैं, कोई हल्की चीज़ परचेज करवा लेते हैं तो वो उसके पास काम आप लेकर जाएंगे। अगर आप अच्छी ले लेंगे चीज़ तो वो काम ही निकालती गाड़ी, तो आप उसके पास लेकर जाएंगे तो मैकेनिक ये चीज़ सोचता है कि यार ये निकालती नहीं काम, तो वो मैकेनिक जो होगा वो आपको अच्छी चीज़ नहीं लेके देगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा वाकिफ है तो ले जाएँ, तो अगर नहीं है तो फिर आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें चेक की जाती है इंजन में, एक इसका स्मोक चेक किया जाता है, साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है उसका कलर कैसा है, ये चीज़ चेक की जाती है, और दूसरा उसकी नाइसिस, इंजन की नाइसिस कौन सी है। जब भी आपने इंजन को स्टार्ट करना है सबसे पहले क्या करना है, आपने डिपस्टिक ओपन करके आयल को चेक करना है, आयल बीच में मौजूद होना चाहिए, और दूसरी बात कि आयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब शोरूम पर मोटरसाइकिल कोई अगर उन्होंने सेल करनी होती है और जिसका इंजन ज़रा कमज़ोर होता है, वो क्या करते हैं आयल बीच में से निकाल देते हैं, थोड़ा सा आयल रहने देते हैं, बाकी सारा निकाल देते हैं।
जब ऑयल बीच में होता ही नहीं है तो फिर वो स्मोक आती ही नहीं है, क्योंकि वो जल नहीं रहा होता, इस वजह से वो स्मोक नहीं आ रही होती। आपने हमेशा ब्रेक स्ट्रिप से पहले चेक कर लेना है इंजन ऑयल, फिर उसके बाद आपने इंजन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने कलर की तरफ ध्यान रखना है, कलर आप फुल एक्सेलरेट करके कलर को चेक कर सकते हैं, कलर वाइट ब्लू शेड नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक शेड मिल रहा है तो इसका कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ब्लैक होता है कि कार्बोरेटर में कोई मसला, इस वजह से ब्लैक ही शेड आ रहा है। अगर ब्लू शेड आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि इसका इंजन के पिस्टन रिंग्स वगैरह कमजोर है। तो पहली चीज आपने कलर चेक कर लेना। दूसरी चीज इसके ऊपर नाइसिस, इसमें इंजन में अमूमन जो होती हैं ये तीन नाइसिस आती हैं। एक होती है टेम्पर्ड की नाइस होती है, ये इस जगह पर आती है, ये वाली नाइस इस जगह से आ रही होती है ऊपर वाली, ये एक टेम्पर्ड है, एक इस तरह नीचे वाला टेम्पर्ड है। तो आप इस साइड से आप इसको सुन सकते हैं, बड़ी बारीक सी नाइस होती है, तो ये वाली नाइस आप सुन सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरी जो आती है टेपर्ड की नाइस, अगर आ रही है इंजन में से तो इसका मतलब है कोई बात नहीं है, आप टेपर्ड को एडजस्ट वगैरह करके ये नाइस खत्म की जा सकती है। लेकिन जो शोरूम पे पर मोटरसाइकिल खड़ी होगी उसकी टेपर्ड की नाइस कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब भी वो मोटरसाइकिल उनके पास आती है वो तो उसकी टेपर्ड एडजस्ट करके वो नाइस खत्म कर देते होते हैं। दूसरी बात आती है इसकी टाइमिंग चेन की, यहाँ पर टाइमिंग चेन लगी हुई होती है, एक व्हील यहाँ पर लगा होता है, एक उसका यहाँ पर लगा हुआ होता है और यहाँ पर चेन लगी हुई होती है आपस में, ठीक है। अगर ये लूज हो जाए, सही ना हो, तब भी आवाज आती है। तो ये भी तकरीबन 1000-1200 रुपए के राउंड बोर्ड नुस्खा है जो पड़ सकता है, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आपको प्राइस अच्छी मिली और ये वाली आवाज है तो फिर आप इसको कबूल कर सकते हैं। तीसरी जो नाइस आती है वो यहाँ से आती है, इंजन की इस साइड से दरमियान में से, ये वाली जो नाइस होती है ये होती है क्रैंक की, क्रैंक और बैरिंग्स की नाइसेज होती है। यहां से अगर नाइस आ रही है तो फिर पूरा इंजन ओपन होगा, सारा काम होगा, फिर उसके बाद ही आपको वो नाइस खत्म होगी। तो कभी भी वो वाली गाड़ी नहीं लेनी जहां जिसकी इस साइड से नाइस आ रही हो। टेपर्ड की नाइस अमूमन होती नहीं है। दूसरी ये वाली नाइस जो है टाइमिंग चेन की, ये नाइस अगर है तो ये तकरीबन 1000-1200 का नुस्खा है, उसके अंदर आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इंजन के ऊपर दो चीजें चेक करनी है, स्मोक कलर और नाइसेस। स्मोक कलर इसका नहीं होना चाहिए, ब्लू शेड में नहीं होना चाहिए, और दूसरी नाइसेस जो है वो इसके इस साइड से, इस कंपार्टमेंट से नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम मोटरसाइकिल में तीसरी चीज जो चेक करते हैं उसके टायर्स चेक कर लेते हैं कि टायर की कंडीशन क्या है। 2200 रुपए का टायर है तो अगर आप देख सकते अफोर्ड कर सकते हैं कि टायर की अगर हालत ख़राब है तो मोटरसाइकिल अच्छी है परचेज़ करनी है तो फिर आप उसको परचेज कर लें, और टायर फिर आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। उसके बाद शॉक अब्जॉर्बर है। शॉक अब्जॉर्बर को कैसे चेक किया जाए कि शॉक अब्जॉर्बर जो है, शॉक्स जो है ये सही है कि नहीं। शॉक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। शॉक का ये रूल है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे फिर भी नहीं सही, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो फिर भी नहीं सही। अगर आपको ट्राई के लिए मोटरसाइकिल मिल जाती है तो आप ट्राई करके देख लें, और किसी गड्ढे में से गुजारेंगे, खड्डे में से गुजारेंगे तो अगर आवाज़ आती है, टक की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि शॉक्स जो है वो कमज़ोर है, शॉक्स हम इसको मजीद नहीं चला सकते। अगले शॉक्स उसी तरह पिछले शॉक्स के ऊपर भी आप वेट डाल के चेक कर सकते हैं कि शॉक्स जो है वो सही तरह से सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो शॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटरसाइकिल खरीदने में, शॉक्स हो गए, टायर्स हो गए। इसके बाद जो आखिरी चीज़ें आती हैं वो आती है चेन, स्प्रॉकेट और इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि अमूमन जितनी भी मोटरसाइकिल्स होती हैं उनकी बैटरी ख़त्म हुई हुई होती है, तो बैटरी वगैरह के साथ सारे इशारे वगैरह चीज़ें लगी हुई हैं, आपने बस ये देख लेना कि लगे हुए हैं साथ या नहीं लगे हुए। अगर बीच में कोई चीज़ ख़राब भी होती है, मतलब बल्ब ख़राब है, तो वो बल्ब रिप्लेस हो सकता है, वो कितनी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। इसके बाद आती है चेन स्प्रॉकेट, ये थोड़ी कॉस्टली होती है, तकरीबन अगर मैं जेन्युइन की बात करूँ 70 के तो 17-1800 रुपये का राउंड अबाउट है मेरे ख्याल में। तो चेन स्प्रॉकेट आप कैसे चेक करते हैं, ऊपर तो चेन कवर चढ़ा हुआ है, फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपने क्या करना है, मोटरसाइकिल को सिंपली स्टैंड के ऊपर लगा कर, डबल स्टैंड के ऊपर लगा कर मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ की मदद से मूव करना है, गियर न्यूट्रल कर लें और पहिए को हाथ की मदद से मूव करें। पहले क्लॉकवाइज मूव करें, क्लॉकवाइज करें और चेक करें आवाज़ तो नहीं आ रही चेन में से, और दूसरे फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले सीधा घुमाया है पहिए को, अब उल्टा घुमा के चेक कर लें। उल्टा घुमाएंगे तो अगर बीच में से आवाज़ें आ रही हैं कड़ 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 की, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसका चेन स्प्रॉकेट सही नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ है कि अगर आ भी रही है तो आप इसको प्राइस में एडजस्टमेंट करके आप खरीद सकते हैं मोटरसाइकिल। जिन चीज़ों जिनकी बिना पर मोटरसाइकिल को नहीं खरीदा जा सकता, जो मसला आ जाए उसमें एक इंजन की नाइसिस है वो अगर हैं तो
इंजन लाइसेंस हैं वो अगर आ रही हैं तो फिर आप मोटरसाइकिल को ना परचेज करें, फ्रेम आपका ख़राब है उसको ना परचेज करें, और तीसरी जो बात आती है उसके टैंकी टापे। टैंकी टापे क्यों, टैंकी टापे इस वजह से आ रहे होते हैं कि ये रीसेल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हमने मोटरसाइकिल परचेज़ की है, कुछ साल बाद हम रीसेल करना चाहते हैं तो हम फिर उसको सेल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास जेन्युइन उसके टैंकी टापे मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी इनकी प्राइसेस की बात वो आप वहाँ पर देख लेंगे, जो आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है आप उसके अंदर उसको परचेज़ कर सकते हैं। चाहे आप चाइना की मोटरसाइकिल लें, चाहे होंडा की लें, चाहे यामाहा की लें, ये चीज़ें इसमें से चेक करनी पड़ती हैं जब आप पुरानी मोटरसाइकिल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मेरा जो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी।